इरफान भाई मुझे ये बताइएगा कि एक एंड यूजर या इन्वेस्टर को किसी भी प्रोजेक्ट में जाने के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो यानी कि ना आपका शुक्रिया कि न्यू सिटी पैराडाइज की जो हाईलैंड फार्म हाउस का एरिया है आज हम वहाँ पर बैठे हैं और इस इवेंट को आपने ऑर्गेनाइज़ किया है और ताजीन मार्केटिंग थैंक यू आपने हमें इनवाइट किया सब भाइयों को। देखें जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं जो आपके सवाल के नुक्ते नज़र से लोकेशन हर जगह इम्पोर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर बेशक वो वर्टिकल्स हों या आप हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर देख लें। फिर उसके बाद इनके ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि डिमांड एंड सप्लाई कि यार डिमांड एंड सप्लाई वहाँ पर है कितनी वहाँ पर कितनी नीड है उस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर नीड नहीं है और आप कहते हैं कि बस ठीक है नामवर प्रोजेक्ट है और हमें जाना चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर मूव करना चाहिए। आप डिमांड एंड सप्लाई को देखें। मैं कुछ प्रोजेक्ट के नाम ले सकता हूँ यहाँ पर मुझे इजाज़त है। अब गोजर खां के अंदर प्रोजेक्ट है और वो एक बड़े पैमाने पर उन्होंने सेल्स की और बड़े पैमाने पर उन्होंने खूबसूरत से डेवलपमेंट चार्जेस भी अपडेट किए और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने यानी अपडेट भी किया कि न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस के साथ क्या प्राइस है और वहाँ पर क्या प्राइस है। तो ये लोगों को लुक आफ्टर करना है। अच्छा मैंने कुदरती तौर पर ना G11 में बैठा था अपने ऑफिस में तो मैंने ना लोकेशन ट्रैक की। मैंने कहा यार लोकेशन चेक करता हूँ वीडियो से पहले तो मैंने देखा 70 किलोमीटर का डिस्टेंस वहाँ भी है 70 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ भी है लेकिन वहाँ पहुँचने में आपको दो यानी कि डेढ़ घंटा दो घंटे G11 से निकलते हुए फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे में यहाँ आप हार्डली 35 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं कि आपकी मेन सिटी से यानी कि कितनी डिस्टेंस है और आप किस टाइम फ्रेम के अंदर जा सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई मेरे लिहाज से सबसे फोकस करने वाली। अगर आपको लगता है कि इस एरिया में डिमांड पैदा हो सकती है बेशक वो कमर्शियल डिमांड है बेशक वो रेजिडेंशियल डिमांड है आप उस तरफ मूव करें। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर के माइंड से मैं बात कर रहा हूँ लेकिन अगर आप बात करें एंड यूज़र के माइंड से तो एंड यूज़र में आपने देखना होता है कि आपकी ज़रूरत या आपकी जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं कितनी दूर हैं सोसाइटी से सोसाइटी में कब अवेलेबल होंगी आपने उस तरफ फोकस करना है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। आप क्या कि आपने घर बनाना है पैसा आया प्लॉट लिया घर बनाया ठीक है पैसा आया चलिए मैं उसको और आसान कर देता हूँ कि पैसा आया फाइल ली इंस्टॉलमेंट पे की प्लॉट बना घर बनाया। एंड यूज़र ने हमेशा इस बात पर फोकस करना है उसने नहीं ये देखना कि यार इन्वेस्टमेंट में प्लॉट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। भाई हमारा ताल्लुक एज अ यानी कि ना अगर मैं रियल स्टेट से हटकर भी देखूं अपने आप को एज अ क्लाइंट भी देखूं तो मैं एक एंड यूज़र हूं और मैंने शायद रियल स्टेट से पहले प्लॉट लिए भी हो। तो मैंने जब प्लॉट लिया तो मेरी नेचर यही थी कि यार मैंने घर बनाना है और मैंने क्या फोकस किया कि यार स्कूल्स मेरे बच्चों के लिए स्कूल्स की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है बैंक्स की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है मेरे ऑफिस से इसका डिस्टेंस कितना है। तो मैंने ये चीज़ें नोट करके वहाँ पर घर बनाया था और मेरा ख्याल है कि एंड यूज़र को भी यही यानी कि सोचते हैं और आज भी एंड यूज़र ने यही सोचना है। अब उसमें 10 इन्वेस्टर हैं 20 इन्वेस्टर वो कहते हैं हमें बेनिफिट नहीं हुआ वो उनकी कहानी अलग है ठीक है। हम गाड़ी में आ रहे थे तो अभी तला भाई ने ये यानी कि डिस्कस किया कि सोसाइटीज़ ने सब सोसाइटीज़ ने सब इन्वेस्टर्स को मौका दिया कि भाई निकलना निकल जाओ 2021 में भी मौका दिया 22 में भी मौका दिया 23 में भी मौका दिया। अब जो उन्होंने रख कर बैठना था और ये समझ रहे थे कि करोड़ के साथ करोड़ होगा तो भाई वो तो फिर रिस्क था ना। तो आपने आज यानी कि ना फिर आपने वेट भी करना है। आप जितना बड़ा रिस्क लेते हो उतनी बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है डिसएडवांटेज भी होता है एडवांटेज भी होता है। अब आपने उस टाइम एडवांटेज नहीं लिया तो आज फिर आपको वेट करना है। लेकिन एंड यूज़र का आज भी जो 2020 में सवाल था वो यही था कि डिलीवरी लोकेशन और उसने अपनी एनालिसिस करके उसको पुट करे और अपने चीज़ों को होल्ड करे वो ये ना देखे कि यार इन्वेस्टर और उसको नुकसान हो गया उसको नुकसान हो गया। तो न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये यानी कि ना एक पॉजिटिव वेव्स आती हैं एक पॉजिटिव वेव्स ये आती हैं कि इनका फोकस ही यानी कि ना उसके ऊपर है आपका एंड यूज़र के ऊपर है ना। मुझे यहाँ फाइल सिस्टम नज़र आ रहा है ना मुझे यहाँ पर यानी कि ना कोई ट्रेडिंग का सिस्टम नज़र आ रहा है प्योरली एंड यूज़र फोकस प्रोडक्ट है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले यानी कि ना चंद महीनों के अंदर ये मार्केट में अपनी स्पेस बनाता जाएगा और दूसरे प्रोजेक्ट से भी स्पेस लेकर अपनी तरफ मूव करता जाएगा इंशाल्लाह ताला।